गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा रही हूँ। सिंगुलर मतलब होता है एकवचन, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, है ना। जैसे यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है तो बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, जैसे लड़का और बहुत सारे लड़के, काऊ काउस, गाय है और बहुत सारी गाय हैं, है ना। ऐसे ये क्या होते हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट्स से ख़त्म होते हैं। कॉन्सोनेंट पता है ना, क से ह तक वाली आवाज़ वाले सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट, है ना। ये सारे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे हैं इसलिए एस लग रहा है। अब ये कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो किससे एंड होती हैं, एस से, ओ, एस एच, सी एच या एक्स से, तो वो प्लूरल कैसे होगा, उनका ई एस लग कर होगा प्लूरल। जैसे क्लास है, क्लास में लास्ट में क्या है, डबल एस है ना, यहाँ पे क्लासेस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। सी एच है तो ई एस लग जाएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो लास्ट में होंगे तो ई एस लगेगा, अगर ओ है तो भी ई एस लगेगा, एक्स है तो भी ई एस लगेगा। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, अगर इन वर्ड्स से कोई वर्ड लास्ट ख़त्म होता है तो आपको ई एस लगाना है। ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो एंडिंग विथ वाई होते हैं, है ना, लेकिन आफ्टर कॉन्सोनेंट होंगे तो आई ई एस लगेगा। देखो कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है पता है ना, जो वोवल नहीं होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू के अलावा, है ना। जैसे यहाँ पे बी है ना, वाई के जस्ट पहले क्या है, बी है, तो फिर क्या करेंगे, वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे, है ना। ये कॉन्सोनेंट है बी। यहाँ पे भी देखो वाई के पास में टी लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है, तो फिर वाई हटा के आई ई एस लगा देंगे। ये याद रखना है अपन को कि वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस लगा देंगे, है ना। जैसे अब कुछ ऐसी होती हैं जो वाई से ही ख़त्म हो रही हैं लेकिन क्या होगा, उनके वोवल होगा पास में, वोवल होगा। जैसे वाई के पहले क्या है, ओ है, आपको पता है वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। अब ओ वोवल है ना, तो अपन क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। ऐसे ही इसमें भी ओ है तो एस ही लगाएंगे, आर ए वाई ए वोवल है, वाई के जस्ट पहले क्या है, वोवल, तो अपन एस ही लगाएंगे। जॉय में भी ओ है तो एस ही लगाएंगे। बस ये बात याद रखनी है कि वाई के जस्ट पहले वोवल है तो अपन को एस ही लगाना है, अगर वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के आई ई एस लगाना है, है ना। अब जैसे कुछ कुछ नाउन्स एफ या एफ ई से ख़त्म होती हैं तो वो एफ और एफ ई हट कर क्या लग जाएगा, वी ई एस लग जाएगा। जैसे लाइफ है, लाइफ में लास्ट में एफ ई है तो एफ ई हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे, एल आई वैसा का वैसा आ जाएगा, लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा। ऐसे ही हाफ, एच ए एल एफ हाफ, उसका एफ हटा के वी ई एस लगा देंगे। वाइफ में भी एफ ई दोनों हट जाएंगे, वाइफ्स हो जाएगा, ओके। नाइफ में भी एफ ई दोनों हटा के नाइफ्स हो जाएगा। अब कुछ इररेगुलर प्लूरल भी होते हैं, है ना, जो पूरी स्पेलिंग उनकी चेंज होती है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना। और बता रही हूँ मैं आपको, मैन का मैन होता है, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वुमन का विमेन, है ना। इसमें बस ई एन लगता है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी, वुमन का विमेन हो जाएगा। अब सम नाउन्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर इन प्लूरल नंबर, ओके। क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल सेम होंगे। शिप का हमेशा शिप रहेगा, फिश का हमेशा फिश रहेगा, डियर का हमेशा डियर, डजन का हमेशा डजन, ओके। ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल सेम रहेंगे, ओके। थैंक यू।